नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार। हाँ सर, मैंने अभी आप व्हाट्सएप पे किया था बात करने के लिए। बताइए। हाँ सर नमस्ते, मैं ये कह रहा हूँ सर, मैंने बीटीसी की थी सर 2013 से, 13 बैच से। क्या किए थे? बीटीसी किया था सर मैंने 2013 से सर। अच्छा, बीटीसी 2013 बैच के। हाँ जी ठीक सर। है। वो सर मैंने उसमें 68,000 में दिया था टेस्ट, 69,000 में, तो उसमें हो नहीं पाया सर मेरा सिलेक्शन। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैं आपकी ये माने ग्रुप से जुड़ा हूँ सर, माने अक्टूबर 2020 से जुड़ा हूँ मैं सर। तो सर जैसे जो नियुक्ति आप जो माने बस बार नियुक्ति होगी 2011 से 2018 के, तो सर जी ये वाली नियुक्ति तो सर प्रथम चरण की होगी या अभी जो कौन सी वाली बैस वाली नियुक्ति है जो सर? पहले तो एक मिनट एक क्रम से बात करते हैं। आपने बताया आप बीटीसी वाले हैं, ठीक। आपने जी बीटीसी किया, आपका जो रहा है सत्र वो 2013-2015 रहा होगा ना? हाँ सर। 13 से 15 के बीच में आपने किया। टीटी आपने कब पास किया, जी प्राइमरी वाला? टीटी 2015 में सर कर लिया सर टीटी। अच्छा, 2015 में कंप्लीट हुआ, उसी समय आपने कर लिया। हाँ हाँ सर, टीटी कर लिया अच्छा, हमने। तो आपने जो है 68,500 से पहले जो भी विज्ञापन आया था किसी में आवेदन कर पाए हैं? हाँ सर, जो मैंने किया था 12,460 में किया था सर। आपने 12,460 में आवेदन कर रखा है ना? जी सर, तो उसमें अच्छा, हो नहीं पाया था, सीटें कम थी जालौन जिला से। कोई बात नहीं। और फिर आपने जो जी अड़सठ सर। हजार पाँच सौ में भी आवेदन किया? जी सर, तो उसमें नहीं हो पाया। फिर आपने 69,000 में भी आवेदन किया? जी सर। अच्छा, आपको पहले एक चीज बताएं कि चल क्या रहा है। तो ये जी गवर्नमेंट सर। आई है 2017 में, ठीक है। जी सर। आने के बाद इन्होंने सबसे पहले हर विभाग की सारी फाइलें मंगा ली, कहाँ क्या चल रहा है, क्या सही जी है, सर। क्या गलत है, सारी चीज़ों पर जी समीक्षा करके फिर इसके बाद आगे बढ़े हैं। तो शिक्षा विभाग की सारी फाइल जब आई, इन्होंने शिक्षा जी विभाग सर। को उठाया है सन 2000 से, और ये यूपी ने ही नहीं उठाया है, ये 2014 में जब केंद्र में बीजेपी आई है तो उन्होंने ही उठाया है, और जहाँ जहाँ राज्यों में बीजेपी आते जा रही है वहाँ वहाँ जी सर। सन 2000 से पूरी फाइल जो है समीक्षा की जा रही है। जी और सर। सन जो भी पुरानी सरकारें जो भी करके गई हैं उनमें जी जो सर। भी प्रॉब्लम्स हैं उनके कारण जो है हर जगह, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पर कुछ न कुछ विवाद जो है कोर्ट कचहरी में न हो, कहीं हाई कोर्ट में, कहीं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक जी है। सर। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है जी सर। अपना विचार भी दिया है कि जी इनका सभी राज्यों से इस तरह की चीजें आती रहती हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है सिस्टम में। हाँ सर, बताओ आजाद में थी जी प्रॉब्लम थी हाँ, सर। तो जी जब 2017 का ऑर्डर आया है आप उसको पढ़ेंगे, उसमें सुप्रीम जी कोर्ट ने सर। स्पष्ट किया है, लिखा है, गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर राज्य सरकार के लिए कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें केंद्र सरकार के लिए हैं। जी उसमें सर। स्पष्ट लिखा है कि सरकार नई नीति तैयार करे। तो जो जी नई सर। नीति है आप देख रहे हैं, नई शिक्षा नीति 2020 में आ चुकी है, हाँ ठीक सर, है। वो जुलाई 2020 को वो लागू हो गई थी हाँ, केंद्र पिछले सरकार साल ने ही, लागू। हाँ, जी लागू हो गई सर। थी, एक साल जी से सर। ऊपर हो चुका है। जी सर। जी और सर। उसी में ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सभी राज्यों में एक आयोग का गठन किया जाए, जी सेवा जी चयन आयोग का, और जी सारी सर। भर्तियों अपने को उसके तहत जी कराया जी जाए, जैसे अपने यूपी में है अभी तक। हाँ आपने देखा हाँ सर। जी सर, कि तुम आयोग का तो गठन हो गया था अपने यहाँ पर सर। क्या हो गया था? नहीं सर, वो आयोग तो बनाया था सर यूपी सरकार ने, लेकिन वो अभी तक वो नहीं हो पाया उस पर तो क्रियान्वयन आपने सही देखा तरीके होगा से। कि पहले जितनी भी नियुक्तियां बीटीसी वगैरह की जो भी हुई हैं वो किसने जी किया है, सर। किसके माध्यम से हुए हैं, कौन उसका अधिकारी रहा, आपने देखा है, ठीक है। जी सर। अभी जो है ये शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है और अब जी वो सर। सारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे उनको हैंड ओवर की जा रही हैं, अब वो सारी चीजें जी सर। आगे कराएंगे। जी तो ये सर। चीजें जहां जहां अखबार में भी आ चुका है कि जहां जहां बीजेपी है जिन राज्यों में सारे काम वहां हाँ पहले हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ठीक केंद्र ने जो कहेगी राज्य में भी हाँ बीजेपी तो है वो कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, और जहां पे बीजेपी नहीं है तो वहां की सरकारें अपने हाँ हिसाब तो से चलाना जी चाहेंगी, तो पॉसिबल ही नहीं कि आसानी से हो। तो जहां यहाँ पर तो पॉसिबल सर है,
जी सर, सेम सरकार है सर अपने उत्तर प्रदेश में और केंद्र में सेंट्रल में। हाँ कॉमन सी चीज है कि हम लोग बच्चों से जी कहते सर, हैं कि एग्जाम देने जाना तो पहले जो क्वेश्चन आता होगा उसी को करना, जो नहीं आता होगा उसको लास्ट में करना, यानी जो आसान है पहले करो, जो आसान नहीं है जी सर, उसको लास्ट में करना। तो वही चीज है, जहां पर आसान है यानी जहां बीजेपी जी है सर, वहां पहले जी काम सर, करा रहे हैं। ठीक जी है, सर, तो चूंकि हम लोग बात तो कर रहे हैं शिक्षा विभाग पर लेकिन जो जुड़ा हुआ है राजनीति से तो वो भी बातें आती जी रहेंगी। तो कुल जी मिलाकर के जब 2017 में और जो है ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कराया, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा में समायोजन जैसा कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उसी को आगे बढ़ाते हुए रद्द किया, और जी रद्द सर, करने के बाद शिक्षा मित्रों को राहत देते हुए दो मौके दे दिए और जी सर, सरकार पर छोड़ दिया कि आगे इनका क्या क्या करना है करना वो आप तय जी कीजिए। सर, ठीक जी है, सर, तो अब तो पूरी तरह से सरकार पर डिपेंड है शिक्षा में, तो दो मौके पूरे हो चुके हैं। ठीक, जी सर, इन दो मौकों जी को सर, पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने उन्हीं से खाली पद को दो भाग में बांटा, 68,500 और बाँ, 69,000। बाँ जी सर, 1,67,000 के दो भाग थे सर, हाँ, पहला एग्जाम इन्होंने जो है लिखित कराया जानबूझकर। हाँ लिखा था हम, जी सर, कारण उसके पीछे कारण है लिखित कराने का, और दूसरा एग्जाम इन्होंने ऑब्जेक्टिव कराया। ठीक जी है, सर, क्योंकि जी इनको सर, बहुत सारी चीजें हैंडल करनी थी तो उसके जी अनुसार सर, अपनी प्लानिंग करके पहला एग्जाम लिखित कराया और जी उसमें सर, 7,000 शिक्षा मित्र हो गए, और दूसरा जी सर, एग्जाम 68 ये 69,000 कराया, इसमें 8,000 शिक्षा मित्र लगभग जी नियुक्ति पा चुके हैं। तो कुल मिला आप करके कोर्ट 15-16 हज़ार के लगभग शिक्षा में दोनों भर्तियों में पा चुके हैं हाँ, जॉब। तो कुल मिला जी करके सर, कोर्ट ने क्या कहा था, उम्र में छूट दी जाए वो हो गया, जी सर, कोर्ट ने भारत क्या दिया कहा, था सर, हाँ भारण दिया जाए वो भी हो गया, जी सर, कोर्ट ने सब कहा हो गया सर, दो मौके दिए जाए, यानी कि कोर्ट ऑर्डर को कोई जी, चैलेंज नहीं कर सकता कि ये चीज नहीं हुआ है। अब चाहे सही तरीके से हुआ गलत तरीके से अभी उसको हम चर्चा ओ, नहीं करेंगे। जी ठीक है, सर, जी लोगों सर, को जो है इस पर भी है कि नहीं गवर्नमेंट ने गलत तरीके से किया है तो उस पर हम सही या गलत का उस पर विचार नहीं देंगे। कुल मिलाकर के जी सर, कोर्ट ऑर्डर के अनुसार हम चल बात कर रहे हैं कि वो चीजें हो जी गई सर, हैं आज के डेट में। तो जी अब सर, जो है गवर्नमेंट चूंकि सिर्फ इतना ही हैंडल नहीं कर रही है, वो पूरा जी सर, शिक्षा विभाग और पूरा शिक्षा सिस्टम जो है उसको चेंज कर रही है। तो जब हाईकोर्ट में ये मैटर चल रहा था शिक्षा मित्र का, तो उसी वक्त अखिलेश यादव जी ने एक लिखित में हलफनामा दिया था कि इनको जो है छोड़ दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में जी भी सर, लगा हुआ था, हमारे पास ऑलरेडी जो है 4 लाख पद और हैं, जी चार सर, लाख समथिंग, तो हम जो टीईटी वाले हैं उनको दे देते हैं। तो जी सर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही समझ गए थे कि मैटर क्या है, कि बिल्लियां आपस में लड़ जी रही सर, हैं, बंदर लाभ ले रहा है। ठीक जी है, सर, तो जी सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी हिसाब से जजमेंट दिया कि उन्होंने कहा जी कि सर, जो कि दो चीजें हैं, एक तो दो तरह के लोग हैं, एक टेट पास एक नॉन टेट। नियम के जी सर, अनुसार जो टेट पास है वो तो सही है, बाकी क्या जी सर, समस्या है उसको नहीं ध्यान दिया उन्होंने मोटा। जी, एनसीटी की गाइडलाइन तो पूरे कहते हैं जो टेट क्वालिफाई है, हाँ, एनसीटी दो चीज कहती है, एक तो बंदा जी सर, ट्रेंड हो, जी ठीक, सर, जी तो सर, ट्रेंड होने के बाद एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार आरटी एक्ट के अनुसार टेट पास होना चाहिए। जी सर, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा पूरा जजमेंट हाई कोर्ट का और आगे उन्होंने पूरा मैटर सुना, तो उनके सामने दो चीजें आई कि दो तरह के लोग हैं, एक टेट पास और एक नॉन टेट। तो जो टेट सर, पास है तो उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो जी सर, उतना डीपली जाने में मायने नहीं रखता है। मेन यहाँ मुद्दा जी क्या है, सर, टेट पास नॉन टेट। तो जो नॉन टेट थे उन्होंने जी सर, फैसला किया कि उनको तो भाई बाहर करना पड़ेगा, जो कि हाई कोर्ट ने जी सर, भी जी कहा था। सर, तो हाँ वो इसलिए हाई कोर्ट ने बाहर कर दिया था, हाँ, तो इसीलिए जो है शिक्षा में समायोजन रद्द हुआ। जी ठीक है, सर, और जी दूसरी सर, तरफ जो टेट पास थे उनमें भी दो तरह जी के सर, लोग थे, कुछ लोग नौकरी पा जी, चुके थे, कुछ लोग जी सर, जो नौकरी नहीं नहीं पाए पाए हैं, थे, हाँ वो बाहर हैं। तो जी सर, कोर्ट ने क्या किया, जो नौकरी पा चुके हैं उनको ब्रेक लगा दिया कि जो अंदर वो सुरक्षित, जी सर, और जो जी सर, बाहर है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के जी सर, अनुसार और गवर्नमेंट की सहमति के अनुसार आगे जो रास्ते प्लान किए गए हैं अभी जो हम बताते रहते होने वाला है, तो उनको अंदर करने जी का सर, रास्ता तैयार किया गया। ठीक है, जी सर, अच्छा जी सर, शिक्षा मित्र में भी, शिक्षा मित्र कहते हैं हम तो कुछ लोग तो टेट पास थे, लेकिन वो भूल जी सर, जाते हैं कि उनका पूरा एक केस था, वहां टेट जी सर, वालों का अलग से हाँ, कोई केस लेके नहीं गया था। ठीक है, सेम, तो हाँ, एक ही तो में सकन इसलिए बाइड वो सर, हाँ इसीलिए कॉमन जजमेंट वहां आया, वहां जो टेट पास है उनके जी लिए सर, अलग से कोई जजमेंट नहीं आया। जी जी ठीक है, जी सुप्रीम हाँ, कोर्ट ने कॉमन एक कह दिया चीज, था कोर्ट ने, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज पाया था कि ऐसा नहीं है कि ये टेट इसमें पास नहीं कर सकते हैं, ये टेट पास कर सकते हैं, इसीलिए उनको दो मौके भी दे दिए। ठीक है, जी कुल सर, मिलाकर के दो मौकों में 15,000 अंदर हुए हैं, लेकिन करीब चालीस जी हजार सर, पचास हजार शिक्षा में ऑलरेडी टेट सी टेट पास और जी हैं। जी ठीक है, सर, जो जो 69,000 में भर्ती में जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया था, तो उसमें जो
45,000 के लगभग पास हैं शिक्षा में। बिल्कुल बिल्कुल, और भी होंगे ठीक है, जी टेट वगैरह भी पास वाले और होंगे। जी हाँ सर, तो कुल मिलाकर के आज की डेट में जो हम आप बात कर रहे हैं जी और सर, गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है उन सारी चीजों के हिसाब से चला जाए, तो गवर्नमेंट के सामने क्लियर हो चुका है कि कौन अब तक कितने टेट या सी टेट पास किया शिक्षा मित्र है और कौन टेट जी सर, नहीं पास किया है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए प्लान जो किया है, जो ठीक है प्राइमरी में क्लास 1-2 था, शिक्षा मित्र 1-2 को जी सर, पढ़ाते हैं, उन्होंने हाँ उठा तो फिर करके 1-2 को प्री प्राइमरी में डाल दिया। जी सर, इससे क्या हुआ जी सर, कि प्री प्राइमरी में इस वक्त आज के जी डेट सर, में अभी तक तो TET नहीं आया है, जी सर, भविष्य में आएगा तो वो आएगा, देखा जाएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति में कहा गया है प्री प्राइमरी से लेकर के क्लास 12 तक के यानी कि PGT तक जो है टेट अनिवार्य है। हम ठीक, इंटर तक नई के लिए शिक्षा, PGT हाँ अनिवार्य हो गया सर। ठीक हाँ अनिवार्य तो कर दिया गया है है, लेकिन अभी नियमावली में तो ठीक नहीं है सर, शामिल किया गया ना, तो जी अभी सर, नियमावली में जब तक तो नहीं शामिल है तब तक तो जी प्री सर, प्राइमरी में टेट से छूट है। तो अब जो ठीक है है गवर्नमेंट जो नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं उनको जो है करने जा रही है प्री प्राइमरी में। जी सर, अब प्री प्री प्राइमरी प्राइमरी में जी 5 कक्षाएं हैं, पहला है सर, प्ले, तो प्ले ग्रुप दिया जा रहा है आंगनबाड़ियों को। जी सर, इसके बाद ऊपर बढ़ेंगे, जी सर, इसके ऊपर उसकी तो बढ़ेंगे, सर हाँ 53,000 बोलिए, भर्ती भी, उसकी तो 53,000 भर्ती पूरी भी हो गई वो आंगनबाड़ी वाली, ठीक 53,000 जो है वो अभी पूरी नहीं हुई है है, जगह जगह वो विज्ञापन निकाल दिए गए हैं, हाँ कहीं हाँ विज्ञापन नहीं निकला है, कहीं विज्ञापन निकाल के थोड़ा जी बहुत सर, काम आगे बढ़ा है, लेकिन अभी जी सर, चल रहा है उसी में आगे पीछे, जी सर, सरकारी काम ऐसे ही चलता है। ठीक हाँ है, सर, तो जी सर, अब क्या है कि प्ले ग्रुप दे दिया गया आंगनबाड़ी के लिए, ठीक जी है, सर, और इसके बाद जी सर, ऊपर आते हैं LKG UKG। तो जी सर, पिछले कई वर्षों से NTT कर जी सर, करके लोग जो है बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं ज्यादातर, हाँ सर हैं, उनके लिए कभी गवर्नमेंट वैकेंसी कोई नहीं आई, ठीक है, तो NTT को LKG UKG में मौका दिया जाएगा। जी सर, ठीक है, अब उससे ऊपर आते हैं 1 और 2, तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों को किया जा रहा है। देखो ठीक है, अच्छा सर, माने प्री प्राइमरी में, हाँ प्री प्राइमरी में। इसके अलावा एक कैटेगरी और जी है जो NIS से जी सर, DELED किए हुए हैं, ठीक अच्छा है, वो 18 महीने का सर, बेस्ट 18 कोर्स, महीने का, तो उनको अच्छा सर, NIS से DELED करा करके गवर्नमेंट ने होल्ड कर जी रखा सर, है। ठीक है, वो अच्छा सर, अभी फिलहाल कोई TET नहीं दे सकते हैं, तो जो जी सर, जानकारी मिल रही है उसके अनुसार NIS DELED वाले प्री प्राइमरी जी के सर, लिए गवर्नमेंट उनको वैलिड करेगी। ठीक जी सर, है, तो फिर जी सर, जो प्री प्राइमरी में और जो पद होंगे, ऐसा नहीं कि शिक्षा मित्र आंगनबाड़ी और NTT से पूरा भर ही जा रहा है, उसके बाद भी बहुत पद खाली रहेंगे, क्योंकि बहुत ठीक सर, ठीक पद हैं, पदों की संख्या कम नहीं, सर, 1,86,000 आंगनबाड़ी है, ठीक है, जी सर, और 5 कक्षाएं हैं, 5 गुना कर लीजिए, शिक्षा मित्र की संख्या देख लीजिए, आंगनबाड़ी की संख्या देख लीजिए, NTT वाले बहुत कम लोग हैं, तो ठीक वहां सर, पर NIS DELED को करेंगे। और NIS DELED जो 18 महीने का है, आने वाले जी टाइम सर, में उनके लिए 6 महीने का जी सर, एक अलग से कोर्स ला करके बाद में प्राइमरी के लिए वैलिड कर दिया जाएगा, ये भविष्य में होगा। अच्छा अब बेस्ट जाए, कोर्स की तरह सर, हाँ जैसे BEd के लिए ब्रिज कोर्स आया है जी जी वैसा ही जी कोर्स ले उसकी तरह, आएंगे, उनको प्राइमरी में वैलिड कर देंगे, वो भविष्य में हाँ होगा, तो वो, साल 2 साल 4 साल बाद। जी सर, और ये जी जो सर, आंगनबाड़ी को प्ले ग्रुप में कर रहे हैं, इनको भी जो है जी छह सर, महीने 1 साल की NIS से ट्रेनिंग कराकर भविष्य में साल 2 साल बाद उनको भी स्थायी इनको वहां कर भी देंगे। अच्छा परमानेंट कर देंगे सर, हाँ भविष्य में करेंगे, उसका मानक रहेगा, जी सर, ठीक है उसका। तो जी अभी सर, प्री प्राइमरी को इस तरीके से जी आंगनबाड़ी, सर, NTT, NIS DELED और शिक्षा जी मित्र द्वारा हैंडल कर रहे हैं। ठीक जी है, सर, जी और सर, इसके ऊपर आते हैं, अब आता है प्राइमरी लेवल 3, 4, 5। ठीक है, जी सर, तो जी सर, यहाँ पर भी वैकेंसी बहुत हैं। ठीक है, कुछ लोग पेपर 4,80,000 बताई थी जब आपने आंकड़ा डाला था एक बार, हाँ, 4,80,000 वो 2019 का आंकड़ा है, जी सर, अब तो जबकि 5-6 लाख के करीब होगी, अब वो 6 लाख चला गया होगा। ठीक है, जी सर, अच्छा, जी एक दिन सर, अखबार में आया था कि कब कब कितने TET पास हैं, जी ठीक सर, है, और फिर लाइफ टाइम जब हुआ तो अखबार वाले छाप रहे थे कि 20 लाख हाँ TET जो है कैंडिडेट हो गए, तो वो 20 लाख का आंकड़ा वो जिस जी हिसाब से जोड़ रहे हैं उस हिसाब से, लेकिन वास्तव में 20 लाख सर, नहीं है। ठीक भाई वो तो है, ऐसा ऐसा जैसे जैसे कई लोगों ने कई कई बार TET दी, कई बार पास हो गए तो वो नहीं, आंकड़ा जुड़ उसको जाता है वो, जी उसको ऐसे समझिए, 20 लाख में वो सर, प्राइमरी और जूनियर सबकी बात कर रहे हैं, जी सर, दोनों की, जी क्योंकि जब लाइफ टाइम हुआ तो सब हुआ है। ठीक है, सर, हाँ प्राइमरी जूनियर दोनों हो गया है सर, वो तो, तो अगर हम इसमें मान लें कि आधे प्राइमरी वाले हैं आधे जूनियर वाले हैं, ठीक है, जी सर, तो 10 लाख हो गए प्राइमरी वाले। ठीक, 10 लाख जूनियर वाले सर, 10 लाख जूनियर वाले, हम प्राइमरी पर आते हैं, तो जो जी दस लाख सर, प्राइमरी वाले हैं
उनमें जी सर, से जो है अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जॉब पा चुके हैं, जी सर, बहुत सारे लोग जॉब नहीं पाए हैं। दोनों ही कैटेगरी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दो चार बार प्राइमरी टेट पास किए हैं, जी सर, जैसे आप ही हैं, जी सर, आपने एक बार या दो बार किया होगा, आपने अगर नहीं किए जी हैं, सर, अन्य लोगों को जानते होंगे आप जो दो चार बार पास किए जी होंगे। सर, हाँ सर, काफी लोगों ने पास किया। तो प्राइमरी के अगर 10 लाख टेट पास हैं तो उसमें से 4 लाख को निकाल दीजिए, 6 लाख ही मानकर चलिए कि 6 लाख प्राइमरी टेट पास कैंडिडेट, ठीक। जी और सर, इसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि किसी और फील्ड के थे लेकिन उन्होंने किन्हीं कारणों से फॉर्म डाल दिया और पास कर लिए, जैसे 2011 में हुआ था, हाँ सर, है। जैसे अनदेशक वगैरह जिन लोगों ने भी डाल दिया, तो जो मैंने कहा कोई शिक्षक भी थे उन लोगों ने भी हम डाल दिया था। कुछ भी है, किन्हीं भी कारणों जी से सर, कैसे भी लोग हैं, 1 लाख मान के चलेंगे उनको भी निकाल दें, बचे 5 लाख, ठीक। जी सर, 5 लाख में जी सभी सर, 69 हजार में हुए हैं, 68 हजार में हुए हैं, और भी लोग बहुत सारे बहुत जगहों पर हुए हैं, जी बारह बतौर भर्ती भी 2011 में हुए, हाँ सब में हुए हैं। हजार 460 के में भी 4,000 पद हो गए। जी हाँ तो सर, प्राइमरी टेट और दूसरे राज्य वाले भी हैं, ये भी ध्यान दीजिए, अगल बगल जी के सर, राज्य हाँ वाले सर, भी आकर के फॉर्म भरते हैं, वो भी पास हैं, वो भी इसमें हैं। हाँ सर, वो तो है ही। तो कुल मिला करके जो टेट पास प्राइमरी वाले हैं उनकी संख्या 2 लाख से चार लाख के बीच में है, इससे न कम न इससे ज्यादा, जी सर, ठीक है। 2 से 4 लाख हम मान के चल रहे हैं, अब वो जी चाहे सर, 2.5 लाख हो, चाहे 3 लाख हो, चाहे 3.5 लाख हो, ऐसे ही है, ठीक है। तो जी सर, गवर्नमेंट अब इनको जो है सन 2000 से अब तक जो विवादित हैं सारे मुद्दे उनको हल करके जी और सर, नई शिक्षा नीति के माध्यम से ये पीछे जी के सर, सारे लोगों को जॉब दे करके जो किसी न किसी भर्ती में आवेदन अच्छा किए हैं, किसी ना, जैसे अच्छा आपने बारह हजार चार अच्छा सौ साठ में किया है, 68 हजार में जी किया सर, है, 69 हजार में, जी जो सर, कहीं ना कहीं आवेदन किए हैं, ठीक है, जी सर, बेस वही बनाएंगे पुरानी भर्तियों को। अच्छा सर, कुछ लोग आ जाते हैं कमेंट करते हैं कि सर 2019 वालों को क्यों छोड़ देंगे, तो जी सर, 2019 वाले तो अभी तुम भैया तुम पैदा हुए हो, पहले तुम जो है हाँ चलना सही है, सीख लो, सही अभी बात है आए हो आपकी, मैदान में, थोड़ा तुम भी इंतजार करो, थोड़ा तुम भी जो है भाग दौड़ कर लो, देखो कैसे 10 10 साल से लोग झेल रहे हैं, ठीक है। खैर उनकी बात छोड़ते हैं, वो अभी नए वाले हैं, उनके लिए 70 हजार भर्ती आ जी भी सर, रही है, जी उनको वहां सर, मौका मिल जाएगा, 70 हजार भर्ती इसीलिए लेकर आ रहे हैं ताकि जी जो सर, आगे आने वाले लोग हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ रहे, उनको भी अनदेखा नहीं कर सकते, जी ठीक सर, है। तो 70 हजार आ रहा है, जो 2019 में 2020 में या अन्य जो जी आगे सर, स्टेट सीटेट पास है उनको वहां मौका मिलेगा, वो भर्ती जी सर, आ भी जाएगी अगर, तो अभी तो नहीं होने जी सर, वाली है, अभी तो टीटी भी नहीं हुआ है, हाँ तो उसमें तो अभी टाइम लगेगा। उसमें टाइम है। ये काम जो जी है सर, केंद्र सरकार जो कराने जा रही है, तो इसमें जो जी सर, पुराने वाले लोग हैं जितने भी जी हैं, सर, चाहे वो 2004 के विज्ञापन में आवेदन किए हों, 2007 के विज्ञापन में आवेदन किए हों, 2008 में आवेदन किए हों, 2011 में, 12,460 में, 16,448 में, 68,500 में, 69,000 में, और 15,000 जी सर, समथिंग भी आई थी एक भर्ती, तो जो हाँ सर, भी, पहले 15 10 हजार आई थी, फिर 15 हजार, फिर 16,448 हाँ, हजार, फिर 12,460, फिर 68 हजार, फिर 69 हजार सर। हाँ तो जो भी जी हैं, चाहे सर, वो शिक्षा मित्र हैं टेट पास, चाहे वो बीटीसी जी वाले सर, हैं, चाहे वो बीएड वाले हैं, चाहे वो डीएड वाले हैं, कोई भी है टेट जी पास सर, प्राइमरी वाला, तो उनको यहाँ जी लेकर सर, के पुराने जितने फाइल है वो सारे क्लोज करने की तैयारी है। अच्छा सर, लड़के जो मांग कर रहे हैं 22,000 68 हजार में बचे हुए पद हैं उनको 69 हजार जी सर, वालों को मौका दिया जाए, तो उनको इतना अक्कल लगाना चाहिए, पढ़े लिखे हैं सब लोग, सरकार अच्छा क्या किसी उनको भाई बे दीजिए, जी सर, माने किसी भाई दीजिए, किसी भाई में पद नहीं जुड़ी जा सकते, वो तो इसमें नई भाई में जुड़ी जा सकते हैं। अभी 68,500 भर्ती क्लोज नहीं हुई है, अभी जी बहत्तर सर, हजार 825 जो 2011 वाली भर्ती है उसका क्लोजर जी रिपोर्ट सर, लगा जी नहीं है, 12,460 का सर, क्लोजर रिपोर्ट लगा नहीं है, 2004 के जी भर्ती का क्लोजर, जो भी सर, भर्ती अभी पुरानी है क्लोजर रिपोर्ट जब तक पेंडिंग नहीं है सर, लगा है, तो उस जी सर, इसीलिए इसीलिए पेंडिंग है ना, इसीलिए जिंदा रखा गया है, उन्हीं को बेस बना करके तो आगे काम होने जा रहा है, जी सर, इसीलिए जिंदा रखा गया, तो उसी को बेस बना करके ही गवर्नमेंट आगे करने जा रही है। और जब तक कोई भर्ती पूरी तरह से क्लोज नहीं होती है उसके जी पद सर, किसी और को नहीं दिए जा सकते, जी सर, और गवर्नमेंट ने ही लोगों को इतना अक्कल लगाना चाहिए, कितनी चालाकी से लिखित परीक्षा करा करके 22,000 पद बचाए हैं खुद ही जी सर, कट ऑफ लगा करके। हाँ सर, तो गवर्नमेंट ने हाँ लगाए सर, बचाए हैं पद, इतना लोगों को समझ में आ रहा है, तो ये भी समझना चाहिए कि जी कुछ सर, तो उनका प्लान होगा, क्यों किया उन्होंने हाँ सर, ऐसा। वो तो है, जी अब सर, चाहे उनके प्लान को वो नेगेटिव समझे या पॉजिटिव समझे, जो भी जी समझे, सर, लेकिन कुछ तो सोच के किया है ना। जी सर, एक पिक्चर छोटा सा अच्छा, बनता है उसमें भी अगर हीरो को गोली लगती है तो भी डायरेक्टर ने जी प्लान कर सर, रखा होता है कि उसको जीना है या मरना है या क्या जी करना सर, है। हाँ वो तो, अब पता करता कहानी पहले से लिख दी जाती है वो तो, तो जैसे एक पिक्चर में एंड जी क्या सर, होगा, हीरो मरेगा या जिंदा रहेगा,
हीरो हीरोइन जो है मिलेंगे या दोनों बिछड़ जाएंगे, सब फाइनल तय जी रहता सर है पहले से, उसी के अनुसार कहानी चलती है। ऐसे जी ही सर यहाँ भी सब कुछ तय है क्या होना है, और उसी के जी सर अनुसार सारी चीजें चल रही हैं। सुप्रीम जी कोर्ट सर ऑर्डर भी उसी अनुसार है, नई शिक्षा नीति भी सब कुछ उसी अनुसार प्लान करके किया जा रहा है, लोग समझ नहीं जी पाते हैं सर चीजों को। खैर, तो जी कुल सर मिला करके आप 2013-15 बैच वाले हैं, आपने जी सर 12460 में आवेदन किया है ऑलरेडी, जी वहाँ सर पर जब भी फाइल उठेगी आपका उसमें ऑलरेडी इनरोल हैं आप, और 68,500 जी पाँच सौ में हैं, 69,000 में हैं, और हम बराबर बता ही रहे हैं कि 2018 तक होना है, ठीक है। अच्छा सर सर तो जी, चाहे जैसे जैसे सर जी आप जो बैच वाइज नियुक्ति बता रहे हैं, जैसे 2000 से लेके 2018 तक सर, सर जैसे अभी पद जैसे जो प्रथम भाई प्रथम चरण में होना है, तो उसमें तो सर 2,17,000 में होना है सर पहली, तो प्रथम देखिए, ये जो दो चरण लाख सत्रह हजार का जो है डेटा, जी ठीक सर है, वो कभी कहीं पर जो है किसी ने डिमांड किया था, आंकड़े मांगे जी थे, सर तो वो जी आंकड़े सर हम गवर्नमेंट ने उस वक्त दिए थे, और उस वक्त दिखाया था कि पूरे भारत में 10,60,000 इतने पद प्रस्तावित हैं, ठीक जी है, सर जिसमें यूपी का जी दो सर लाख सत्रह हजार है, बिहार का दो जी लाख सर पचहत्तर हजार है, ठीक है। जैसे सर जैसे सर अपने यहाँ जैसे 2,17,000 से निकलती है जैसे भाई थी सर, जैसे सर 2018 बैच तक को शामिल कर लिया जाता है जैसे, तो सर जैसे आप जो बताते हैं यूट्यूब में के 2018 की 1 लाख या 1.5 लाख संख्या होगी सर, 2011 की 1 लाख होगी समथिंग, मतलब वो पहुंच जाएगी संख्या 3 लाख के लगभग पहुंच जाएगी, 3, 3.5 लाख के सर, तो फिर सर इसको फिर जैसे जो बच जाएंगे अभी तो फिर इनको बाद में वन नियुक्ति दी मिनट वन जाएगी मिनट इसी वन से। मिनट वन मिनट, ये जो दो जी लाख सर सत्रह हजार है, अभी कुछ दिन जी सर पहले एक जगह से न्यूज आई कि 2,51,000, जी सर हाँ ठीक है, आई थी सर, यूरोप और में भी आई जो, थी सर हाँ, अभी इस पर ध्यान जी दीजिए कि कोर्ट में गवर्नमेंट ने कहा 51,000 पद हमारे पास हैं, फिर जी अभी पेपर में आया 70,000, इसके पहले चर्चा थी 97,000, यानी कि जी एग्जैक्ट आंकड़े कभी नहीं गवर्नमेंट ओपन करती है। जी आप सर आरटीआई भी लगाएंगे तो वो आपको एकदम एग्जैक्ट चीजें नहीं बताएंगे, तो हाँ यानी कि सर गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो अपना हाइड करके चलती है, ठीक है। तो ये दो लाख अच्छा सत्रह हजार जो है, वो 2,17,000 ही नहीं है, अभी हम लोग चर्चा शुरू में किए हैं कि जो 4 लाख पद थे अभी 5-6 लाख जी हो गए सर होंगे, क्योंकि नई भर्ती कोई आई ही नहीं है, जो आई है 68,569 ये शिक्षा मित्र वाली है, अच्छा सर ठीक है। तो पद तो बहुत जी हैं, सर अब एग्जैक्टली एंड टाइम पर गवर्नमेंट कितना भरने का प्लान की है वो तो जब शुरुआत होगा अच्छा तब पता चलेगा। हो सकता है कि वो जो है घोषणा कर दे कि नहीं, हम 4.5 लाख 5 लाख लेके आए हैं, 3 लाख लेकर आए हैं, कुछ भी। अच्छा खैर, सर जो चीज़ अभी कहीं से भी नहीं दिख रही है, हम उस पर चर्चा उतना नहीं करेंगे। 2,51,000, 2,17,000, दो आंकड़े आए हैं सामने, हम 2,17,000 को लेकर चलते हैं, ठीक है। जी सर तो उसमें जी भी सर सन 2000 से 2010 तक वाले 5 से 10 हजार जी हैं, हाँ सर 2011 वाले हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 लाख के अंदर 1 लाख हैं, जी जबकि सर वास्तव में हमारा एक्चुअल अगर हम कैलकुलेट करें तो वो जी सर 60-70 हजार से ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं, लेकिन अधिकतम सीमा सर 1 लाख मान लीजिए आप क्योंकि ये ध्यान दीजिए कि अगल बगल राज्य वाले जो, चूंकि ये काम यूपी में ही नहीं हो रहा है, अगल बगल राज्यों में भी होगा, तो जो हाँ अगल सर बगल बहुत राज्य का है वो यूपी में लेने नहीं आएगा, अपने राज्य में लेगा, ठीक है। हाँ सर तो ऐसे भी संख्या और घट जाएगी। तो जी सर 2,92,923 कैंडिडेट थे पास, जिसमें से जी सर कार्य शिक्षक थे, बीपीएड वाले थे, हाँ और सभी और एसएससी लोग वगैरह की जिनने तैयारी सर करने वाले थे, न जाने कैसे कैसे लोग थे, तो हाँ सब जिनने सर काट बीए पीट भी किया करके। गए जी सर, जिनने ग्रेजुएशन भी किया उन्होंने भी डाल दिया था हाँ देखने के बिल्कुल, लिए जमाने उस वक्त तो कोई जी सर वो नहीं था फाउंडेशन, हाँ किसी ने सर ग्रेजुएशन हाँ कर सर रखा था वो भी डाल दिया था फॉर्म। जी जी तो हाँ वास्तव सर में 2011 वालों की संख्या जो है वो जी देखा सर जाए तो 50-60 हजार से ज्यादा नहीं है, जी सर ठीक है। और उसके बाद 2013 से लेकर 2017 तक वाले 68,500 में आवेदन किए हैं, 1,08,000 थे, जिसमें से 46,000 जी नौकरी पाए हैं, मोटा मोटा हिसाब 60,000 हाँ जो है जी जी सर 62,000 बचे रह गए। बच जाते हैं हाँ, जी सर अब उनमें से भी बहुत सारे 69,000 में आ गए होंगे, जी सर ठीक है। तो जी कुल सर मिलाकर मान चलिए कि वहां पर भी 30,000-40,000 जो रह गए हों, 20,000 मान लेते हैं, 25,000 पा गए नौकरी उसमें से, जी सर ठीक है। अब आते हैं जी उनहत्तर सर हजार में, तो 69,000 का आप सब जान ही रहे हैं, जी सर ठीक है। 69,000 जब फॉर्म जो जो भरे होंगे, जी सर वो कैंडिडेट्स पुराने भी कभी न कभी टेट पास रहे होंगे, कभी न कभी पुराने किसी भर्ती में भी रहे जी होंगे, सर जैसे आप ही हैं बारह जी हजार सर चार सौ साठ में, तो वही जी सर कैंडिडेट जो है यहाँ पर डबल टाइम हो गया, ठीक जी है। सर तो 5-10 हजार उधर हो गए, 60-70-80 हजार 2011 वाले हो गए, 25-30 हजार जो बचे रह गए 2017 तक वाले, और फिर जी ये सर इन लोगों को अगर 69,000 में से निकाला जाएगा, 69,000 में भी 1-1.5 लाख ही आएंगे,
ज्यादा जी सर, नहीं। जी तो सर, कुल मिलाकर के हमारे आपके पास एग्जैक्ट आंकड़े नहीं हैं, हम लोग जो आंकड़े सामने हैं उसके आधार पर बात कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो वास्तविक आंकड़ा है, उनको पता है, ठीक और वो सर, उसी के आधार पर सारी चीजें लेकर आएंगे। ठीक सर, ठीक है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं कोई ठीक बाहर सर। होगा, सब अंदर अच्छा होगा। सर, सब कुछ अच्छा सर, जैसे जितने भी पार्टिसिपेट हैं जो कर रहे हैं, जैसे 2000 से लेके 2018 तक, तो मतलब जितने भी टेट पास है सभी को जॉब मिलेगी इसमें तो फिर। बिल्कुल, आप ध्यान दीजिए, 2001 से ठीक 2010 सर, के दौरान जितने भी बीटीसी या विषय बीटीसी उसके पहले जो आते थे, तो सारे जी लोग सर, लगभग पा जाते थे, कुछ ही लोग जो बचे रहते थे। जी सर, जितने वैकेंसी होती थी कैंडिडेट नहीं मिलते थे, है जी ना, सर, हम पहले तो ऐसा भी होता सर था। होता था। जी सर, बीटीसी वालों की भर्ती होती थी तो जी वो सर, हाँ वर्थवार ही हो जाती थी, लगभग लगभग मैक्सिमम लोग हो जाते थे, कुछ ही रह जाते थे। हाँ, पहले तो बैतवा नियुक्ति होती थी बीटीसी में सर। तो वही सिस्टम गवर्नमेंट लेकर आई है, पहले ये चीजें हुई हैं और उसी टाइम के लोग जो है वंचित रह गए गए हैं। सर, जैसे तो इसलिए गवर्नमेंट कि पीछे की चीजों को इस जी तरीके जी से हल करेगी, और जो जी सर, 2019 20 या जो भी कहीं भी बच जाएंगे उनके लिए आगे भर्ती लेकर आती रहेगी। जी सर, जैसे सर मेरा 2015 में 86 नंबर है, तो सर 80 नंबर से वो तो नहीं है कोई, इसमें तो टीईटी की बेस बनेगा सर इसका। टेट पास करने के लिए जी जनरल सर, और आरक्षित के लिए, जी जनरल के लिए सर, 90 और आरक्षित वर्ग के जी लिए 82 नंबर है। जी जी तो अब चाहे जी वो सर, 2011 में किसी ने टेट पास किया हो, 2011 में जी डेढ़ सर, घंटे का पेपर था, अभी तो ढाई हाँ घंटे का सर, होता है। हाँ सर, ठीक है, तो उस जी समय चाहे किसी ने पास किया चाहे अब पास किया, कुल मिलाकर के 82 नंबर से लेकर के 150 नंबर के बीच में जिसने भी अच्छा जब सर, भी जी पास किया है उसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली है, अपने कैटेगरी के अच्छा, जी अनुसार वो क्वालिफाई है तो सर, अंदर है वो, उसने कोई गड़बड़ी खुद ना किया हो, किसी मार्कशीट में छेड़छाड़ ना जी किया सर, हो। हाँ सर, वो तो सही कह रहे अब हैं भाई जिसने छेड़छाड़ किया होगा तो आप देखते हैं आप। फर्जी पकड़े जाते हैं। हाँ, पेपर में आते रहते हैं कई हाँ, तो वैसे भी कई जगह की बात कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है, 2017 वाले में, लोग है। पढ़ते नहीं, जी हम तो सब बताते रहते, उसमें लिखा हुआ है हाँ कि सर, गवर्नमेंट जो है सभी भर्तियों की जांच करे और जो भी जहां भी जिस लेवल पर गलत पाए जाए उनको जो है बाहर करे। लोग कहते हैं 69,000 में जो है डीजे बाबू ये वो, तो वो ठीक है नौकरी भले पा गए हों, गवर्नमेंट को आगे बढ़ना था, वो अपना काम करते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको छोड़ देगी, आने वाले टाइम अच्छा में वो थोड़ी पकड़े जाएंगे। अच्छा सर, कोई भी बहती हो तो थोड़ी बहुत तो अनियमितता सर होती ही है उसमें, फिर तो कभी नहीं हो पाती है तो। इतना बड़ा प्रदेश है, इतने बड़े स्तर जी पर सर, हाँ, तो कुछ लोग, ना कुछ तो हो ही जाता है। तो कोई बात नहीं, आगे पीछे वो कभी न जी कभी कहीं न कहीं पकड़ सर, में आ जाएंगे, क्योंकि जो चोरी करता है उसका दिल धक धक करता है, हमेशा कहीं न कहीं डरता रहता है, और एक न एक हाँ दिन सर, वो चीजें सामने आ ही जाती हैं। कहीं भी पकड़ में आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सारे आंकड़े हमने आपको बता दिए, हमने ये भी बता दिया कि आंगनवाड़ी का क्या होना है, एनडीटी का क्या होना है, एनआरएस डीएलएड का क्या होना है, समिति का क्या होना है, बीएड बीटीसी डीएलएड सबके बारे में हमने बता दिया। अभी और कहीं डाउट हो तो बताइए। सही जी, जैसे जो जो माने नियुक्ति होगी वैसे जैसे सब लोगों की, तो सर इसमें क्या टीटी बेस होगा, जैसे आपने बताया था कि इंटरव्यू नहीं होगा इसमें, अब देखिए, पहले आप बता रहे थे। नई शिक्षा नीति में जो चीजें लिखी हैं और जो चीजें जानकारी में आ रही हैं, जो कोर्ट ऑर्डर में, हम उसी पर बात करते हैं। तो ठीक है, बहुत सारी चीजें उसमें जो लिखी हुई हैं हम उन पर बात करते हैं। तो नई शिक्षा नीति में इंटरव्यू डेमो लिखा है, ये आगे जी होगा, सर, जी ठीक है। सर, तो अब ये जी अभी नहीं, इसको इसकी घोषणा किए हैं, मान के चलिए कि इसमें अब ये नहीं करने वाले हैं, ठीक है, इसको तो जी सर, कंप्लीट कर देंगे बिना इसके ही, लेकिन आने वाले टाइम में जो भर्तियां होंगी उसमें वो अच्छा सर, रहेगा। खैर, आगे होगा नहीं होगा वो हमारा विषय नहीं है, यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि समय अब नहीं है, और हम जी सर, हमेशा कहते हैं कि गवर्नमेंट ने सारा प्लान चुनाव को देखते हुए किया है, 5 साल। हाँ सर, बहुत सही। तो सही जी, तो इसमें तो टीटी के नंबर के हिसाब से उठा लेंगे सीधा। हाँ, तो यहाँ लेना सबको है, अब जी एकेडमिक्स को सर, ला करके लेना, जब सबको है तो एकेडमिक लाना, ये लाना वो लाना, मेरिट को डिस्टर्ब करना, एक तरह से हाँ, ये तो विवाद बेकार की उत्पन्न बात करना, और विवाद इनको चाहिए नहीं, अब ये विवाद को खत्म कर रहे हैं सारे जी, पुराने। इनका तो तो ये मतलब सिंपल जो है सा, कि जो भी टीटी पास है बंदा उसको सबको देना है, इनका तो एक तो बस उद्देश्य सिंपल ये सा है कि पुराने है। जितने लोग हैं टेट पास जो भी हैं सबको एक जी साथ सर, लेकर के पुराना मैटर खत्म कर देंगे, जी आगे का वो आगे चलेगा, नंबर से तो सर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, नंबर जैसे कम कोई है अगर प्रॉब्लम किसी के बड़े नहीं। हैं। कहे तो 82 नंबर वाला भी अंदर होगा, 150 वाला भी अंदर होगा। जी, सर जी एक और क्वेश्चन पूछना था आप। सर जी, मेरे मित्र हैं एक जने, काफी पुराने हैं वो, उनकी एज 46 साल हो गई सर, और उन्होंने 2011 में टीई टी है, तो उनके सर नंबर 105 नंबर हैं सर उनके।
तो 105 नंबर है वो अंदर होंगे, उम्र जी का कोई यहाँ नहीं सर, बाउंडेशन नहीं होगा। सर नहीं, लेकिन उनके साथ जो प्रॉब्लम है क्या सर, उन्होंने जो मैंने बीएड किया वो 2012 बैच के थे वो। बंदा जो है टेट पास है और जी उन्होंने सर, बीएड जब जब फॉर्म भरा रहा होगा उस वक्त उनका बीएड का रिजल्ट नहीं आया रहा होगा, बाद में रिजल्ट आया होगा। ठीक है, नहीं सर वो रिजल्ट नहीं आया था सर, वो जैसे 2011 में हुई थी टीईटी। कुल मिलाकर के 2011 में टेट पास हो गया, बीएड उनका 2012 में हुआ, यही है ना मैटर। हाँ, तो इस तरह के काफी लोग, सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर चल रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने 66 भर्ती कराई है 2011 में, इस तरह के काफी लोग नौकरी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी कहा है सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो अंदर वो सुरक्षित, जो बाहर वो भी अंदर आने का रास्ता बना। तो जो अंदर सुरक्षित, तो क्या कोर्ट नहीं जान रही है कि इस तरह के लोग अंदर हो गए हैं, उनको क्यों नहीं बाहर किया? इसलिए नहीं किया कि समस्या उनके साथ नहीं है, समस्या सिस्टम में थी, सिस्टम ने ये गड़बड़ी किया, तो अब व्यक्ति को क्यों डिस्टर्ब किया जाए? अब मानक क्या कहता है, ट्रेंड होना चाहिए टेट पास, तो वो भी तो ट्रेंड है, टेट पास है ना, चाहे कोई चीज आगे पीछे कर लिया, ठीक है, वो उसकी तो समस्या नहीं थी, वो सिस्टम ने किया गड़बड़ी। तो जब उस वक्त के वो लोग हो गए अंदर, तो ये जब नई जो वर्तमान नियुक्ति होगी नई शिक्षा नीति वाली, तो इसमें भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे 2012 वाले मैसेज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना उम्र की दिक्कत आएगी, ना जो है नंबर की दिक्कत आएगी, ना आगे पीछे टेट और बीएड आगे पीछे हो गया तो उसकी दिक्कत आएगी। बहुत सभी का लेना है कुल मिलाकर, गवर्नमेंट का जो प्लान है कि सभी को लेना है कुल मिलाकर। एग्जैक्टली, कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है और नियम जो है, उसमें सिर्फ इतना है कि ट्रेंड होना चाहिए टेट पास। तो सारे लोग ट्रेंड हैं, टेट पास हैं, जो नौकरी पा चुके थे, कोर्ट ने कोई भर्ती डिस्टर्ब नहीं किया और बाहर वालों के लिए अंदर जाने का रास्ता बना दिया। सर जी, जैसे जो ऐसा ढाजा का जो अभी हम लोग उसमें याची बने हैं सर जी, जो ऐसा ढाजा का मामला चला रहा है, सो हम लोगों का 33 वाला केस था सर जी, तो सर जी तो वो हम लोग सिंगल बेंच से हार चुके थे, सिंगल बेंच ने हम लोगों की याचिका खारिज कर दी थी, तो हम लोग डबल बेंच में केस इसको लड़ रहे हैं सर जी। तो सर जी हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे अभी लड़के धहना भी धरे हैं तो वे लोग बुला रहे हैं, तो आप हिसाब से इसलिए हमने कॉल किया था कि सर जी धरने में जाएं या नहीं जाएं। देखिए, हम न धरने के खिलाफ हैं न कोर्ट कचहरी के खिलाफ हैं, हम सिर्फ जो है तार्किक बातें करते हैं। ठीक है, पहला तो ये जानिए कि ये नियम नहीं है कि याची बनेंगे तो नौकरी मिलेगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, 72,000 भर्ती में जो लोग याची थे उस वक्त जिस दिन कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो कोर्ट ने वहां तक पूछा कितने लोग हैं, तो बताया गया 1100, और 1100 में से कुछ मानकों के आधार पर 839 को नौकरी दी गई। उसका कारण था वो याची बने थे इसलिए उनको नौकरी नहीं दी गई, वो सुप्रीम कोर्ट चाहती थी मुद्दे को हल करना, और हल करने के लिए ये लोग जो है समस्या बन रहे थे, क्योंकि इनके जो है केस जो थे वो कुछ इस तरह के थे, अगर केस पर जजमेंट आता तो काफी उलझा हुआ जजमेंट हो जाता, चीजों को हल करना कठिन हो जाता। तो इन लोगों को आप जानते हैं, हमारी आपकी लड़ाई हो गई, आपने मेरे ऊपर केस कर दिया, अब तो कार्रवाई होगी मेरे ऊपर। अगर आप अपना केस वापस ले लेंगे, आप अपना केस लड़ना ही छोड़ देंगे, तो मेरे साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे। जी सर, और क्या सर, बच जाएंगे सर। तो इसीलिए ये लोग केस जो है, जो 839 पाए हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने केस किया था, ठीक है, तो उनको जो है उनसे केस छुड़वाना था, इसलिए गवर्नमेंट ने कोर्ट ने आपसी सहमति से 839 को नौकरी दिया, क्योंकि उनको क्या है, उनको जब नौकरी मिल रही तो वो केस खुद ही छोड़कर हट गए। तो इस कारण से किया गया ये चीज, याची लाभ दिया गया ताकि ये लोग हट जाए। दूसरी बात, और ये लोग ही आगे नेतृत्व कर रहे थे हर गुट का, तो इससे क्या हुआ, जो गुट जो भी थे भी उस वक्त के, वो थोड़े कमजोर पड़ गए। ठीक है जी सर, तो गवर्नमेंट और कोर्ट उल्लू नहीं है, हम आप सोच भी नहीं सकते हैं, हम आप उतना दूर तक थिंकिंग रखते ही नहीं है, जहां तक तो वो लोग सोचते हैं कैसे क्या करना है, सारे नियम कानून बनाने वाले वही लोग हैं। अभी अभी कल पीएबी की जो है मिनट्स आए हैं, आपने देखा होगा 910 पेज का है। हाँ सर, वो आया था, आपने पीडीएफ में डाला था वो। हाँ, 900, वो 910 पेज लिखने में न जाने कितने दिन, न जाने कितने लोग लगे होंगे। सर जी, जैसे आपके हिसाब से सर जी, जो 22,000 सीटें बची हैं, तो इस पर क्या हो सकता है सर, कोर्ट के हिसाब से? कोर्ट क्या फैसला देगी वो भविष्य में है, लेकिन ये मान चलिए 22,000 पद अभी किसी को नहीं दिए जाएंगे, किसी नई भर्ती में नहीं जोड़े जाएंगे, न 69,000 न कुछ। ये जो चीजें हम बता रहे हैं, ये चीजें जो होने जा रही हैं, उसके हो जाने के बाद फ्यूचर में
जो भी गवर्नमेंट अच्छा अच्छा करेगी, हमारा विचार जी ये सर है कि जो अगली जी सर भर्ती आएगी, गवर्नमेंट दिखाएगी जी कि ये सारे पद उन भर्तियों में जोड़ जोड़ करके ये पद यहाँ पर भरे जा रहे हैं। जैसे 72,825 में जो बचे 6,170 क्या पद बात हैं, तो जी सर वो सारे पद और 18,500 में बचे पद, 12,460 जी में सर बचे पद गवर्नमेंट आगे दिखाएगी किसी नई भर्ती में कि हाँ इसमें जोड़ दिए गए, वो भविष्य में होगा। खैर, अच्छा हमारा सर आपका मुद्दा ये नहीं कि गवर्नमेंट क्या नहीं करेगी, जी हमारा आपका मुद्दा ये है कि हमें नौकरी जी जी कैसे मिल रही है, मिल रही है कि नहीं जी मिल रही है। हर जी व्यक्ति सर सिर्फ नौकरी लेने आया है, उसको नहीं फर्क पड़ता कि वो 22,000 में देंगे, 69,000 में देंगे, कि 68,000 में हाँ देंगे, कि 2,011 देंगे, कैसे देंगे, नौकरी मिल जाए हाँ बस, कैसे बदले भी। बस जॉब मिल जाए बस तो गवर्नमेंट ने भी इसी चीज को पकड़ा है कि हर व्यक्ति कोर्ट गया है, जो धरना कर रहा है उसको जॉब से ही मतलब है। तो एक जी कॉमन रास्ता निकाल करके 4 साल से 5 साल से उन्हीं जी चीजों को हल करने की कोशिश की जा रही है, और अब वो जी फाइनल होने जा रहा है। ठीक ना है, बहुत सही, सबसे बड़ा अच्छा प्लान है बीजेपी गवर्नमेंट का ऐसा करने का, क्या मतलब सब लोग उस पर हो जाएंगे अब आप सफलता की ओर बताइए, जो अपना। टीटी है, जी सर टीटी का 5 साल का रखा गया रहा, केंद्र ने जी 7 साल सर रखा था, अब ये कितना जी हाँ बड़ा जो है समस्या था, बार बार टीटी हम दे सर रहे हैं, तो इस जी समस्या सर को कैसे हल किया उन्होंने? ऐसा नहीं है कि 2 साल बढ़ा दें, 4 साल बढ़ा दें, ऐसा नहीं अच्छा किया सर उन्होंने कि चलो 2 साल जी बढ़ा सर करके इनको नियुक्ति दे दो, 4 साल बढ़ा के उनको नियुक्ति दे दो, हर राज्य में फिर ये चीजें विवादित होती। तो उन्होंने हाँ सीधे सर कॉमन उठाया, सीधे लाइफ टाइम कर दो, हाँ पीछे सर वाले भी लाभ में, आगे वाले भी लाभ में, सब हाँ लाभ। सब लोग लाभ में जब हो जाएंगे तो कोई किसी का विरोध नहीं करेगा। कोई किसी का विरोध नहीं, तो वही रास्ता यहाँ जी भी सर निकाला गया है। सब एक दूसरे का विरोध क्यों करते हैं, क्यों धरना जी करते हैं, सर क्यों कोर्ट जाते हैं, क्यों गवर्नमेंट से होते हैं। हर व्यक्ति को जी दे सर दो जो चाहता है, दे करके सारी हाँ विवाद सर खत्म। तो चूंकि अभी ये चीजें धीरे धीरे इंटरनल चल रही थी, गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप चल रही थी, बीएड को जी वैलिड सर करना था, दो मौके भी देने थे, और जी टेट सर कैंडिडेट्स को भी कंट्रोल करके चलना था, सारे मुद्दे हल करने थे, राजनीतिक लाभ भी लेना है चुनाव में, हर चीज को देखते हुए लेकिन टीटी भी लाइफ टाइम करना था। सर जी बीजेपी कहती तो अपने नियम कानून बिल्कुल पक्के तय के नियम से कहती, वैज्ञानिक ढंग से कहती, बस टाइम लगता है थोड़ी यानी कि नियमों में, लेकिन ये कहते हैं बिल्कुल सही कि अब आप सीधी सी उसमें कोई बात बाद है, में सीधी दिक्कत सी बात ना है, हो एक किसी को। सीधी सी बात है, आपको बिल्कुल साफ सुथरा घर दिया जाएगा, जाइए रहिए, तो आप जाएंगे, सामान रखेंगे, रहना शुरू कर देंगे, ठीक। जी सर लेकिन अगर कोई जी उसमें सर गंदगी करके गया है और आपको दिया जाएगा रहने के लिए, तो उस गंदगी जी को सर सफाई में थोड़ा वक्त तो लगेगा, और जितना वक्त हाँ सर लगेगा तो उतने वक्त साफ में सफाई तकलीफ करने तो में उठानी पड़ेगी। हाँ सर वो तो है ही सर तो बस वही हो रहा है और कि जो कुछ बिगाड़ के गए हैं सन 2000 से अब तक लोग, पिछली बस सरकारें, चाहे इसलिए वो हाँ मुलायम सिंह की हो, चाहे मायावती जी की हो, चाहे अखिलेश जी की किसी हो, ने तो उन हाँ सबको पूरा गाइडेंस सुधारने जाना में, था टाइम केंद्र में तो कांग्रेस लगता ही थी, है केंद्र में कांग्रेस जी थी, सर राज्य में जो भी सरकारें थी सबने गड़बड़ किया हर जगह। अब जी बताइए, सर केंद्र सरकार का काम था कि नहीं टीटी को लाइफ टाइम रखना, जी सर केंद्र सरकार लेकिन का उस वक्त काम है सर कांग्रेस थी, उन्होंने 5 साल रख दिया, 7 साल रख दिया। तो खैर, जो पुरानी सरकारें थी उनके जी सर सोच में प्रॉब्लम थी, तो अब उसी चीज को जो गड़बड़ हुआ है सही किया जा रहा है, बस अब वो थोड़ा जी सर समय और रह गया है, क्रमशः सारी जी चीजें सर सामने आ ही रही हैं, आप देख ही रहे हैं। हाँ सर जो माने आप बता दें बिल्कुल क्रम बाई चला रहा है, बस केवल टाइम का नहीं है, एग्जैक्ट पता कि कब हो जाए, लेकिन होना तो है नहीं सर आज से हजारों साल पहले एक व्यक्ति ने बताया कि पृथ्वी गोल है, जब जी उसने सर पहली बार बताया तो लोग उसके ऊपर हंसे थे। हाँ सर हम जी सर आज से 50 साल पहले कहा जाता था कि बिना तार के बातचीत होगी, तो लोग हंसते थे। जी सर हाँ लोग सर कहते थे कि हवा में उड़ेंगे, जिसने पहली बार जी ये बताया, तो लोग हंसे थे। जब भी कोई चीज नया रहता है ना, लोग को विश्वास हाँ नहीं होता है, वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जो कह रहा जी होता है वो क्या देख कर कह सर रहा है, कहाँ से कह रहा है, वो जानता है। तो जी सर जब पृथ्वी गोल है बताया गया, तो सैकड़ों सालों तक लोग हंसे थे, लेकिन आज पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है कि पृथ्वी गोल है। आज हाँ पूरी सर दुनिया एक्सेप्ट करती है कि नहीं आसमान में उड़ा जा सकता है, आज पूरी दुनिया जी सर एक्सेप्ट कर रही है कि बिना तार के बात हो सकती है, आप भी हमसे बात कर रहे हैं, बिना तार के ही जी बात सर कर रहे हैं। जी सर तो जो व्यक्ति बताता है वो नॉलेज रख रहा होता है, जानकारी रख रहा होता है, तब वो बताता है, बाकी जो नहीं जान रहा होता है वो हंस रहा होता है सामने वाले पर, लेकिन उसको पता नहीं होता वो स्वयं पर हंस रहा है, क्योंकि मूर्ख तो वो खुद है जो बता रहा है, जी सर जी वो तो सर जिस आधार पर बता रहा है उसके पास आधार होता है। तो जी सर अब बस जैसे सर जो जो नई वैकेंसी की गवर्नमेंट अभी तो जैसे घोषणा नहीं की, जैसे पेपर में आया था आज के 17,000 वैकेंसी आने वाली है सर, और सर तो ये तो अब तो चुनाव की बात आएगी, अच्छा चुनाव के पहले घोषणा कर देगी गवर्नमेंट, ज्यादा देखिए, जहां तक सितंबर वो का होगा। महीना है, ठीक जी है, जी अभी टीटी का डेट नहीं घोषित हुआ है, टीटी आने वाला है, जी जी वो जी आएगा सर ही आएगा, 2 साल से टीटी नहीं आया है, ठीक है। तो
तो टीटी आएगा जरूर, क्योंकि 2 साल से नहीं आया है, और हर भर्ती से पहले टीटी निकालते जरूर हैं एक बार, ठीक जी है। सर, चलिए मान लेते हैं कि बिना टीटी के भी भर्ती आ गई 70,000, जी सर, या तो टीटी से पहले आएगी या तो टीटी के बाद आएगी, दो में से कोई एक ही जी सर, होगा, जी आप भी सर, गई तो भर्ती आपने देखा है कि गवर्नमेंट को जो करना होता है अपने तरीके से करती है, वो हाँ वो कोई तो भी है चीज़, सर, हाँ जो चीज़ उन्हें करना होगा तुरंत कर सकते हैं, जो चीज़ रोकना होगा रोक जी देंगे। वैसे भी कोर्ट ऑर्डर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार, जो कोर्ट जो सर, पुराने लोग हैं उनको नियुक्ति देने के बाद ही नई भर्ती निकाली है, अच्छा इसीलिए 68,569,000 ये नई नहीं जी थी, सर, पुरानी ही थी, इस कारण से पूरे किए गए। नई भर्ती निकाल तो सकते हैं लेकिन उसको भर नहीं सकते हैं जब तक ये पुराना मैटर पूरा क्लियर नहीं कर देंगे, ये कोर्ट अच्छा ऑर्डर में है लिखा हुआ, जी सर, तो ठीक उसके है। क्या गवर्नमेंट इसको डिले कर रही थी टीटी को बार बार। आप देखिए ना कि 2017 में टीटी करा के 68,500 दिए, 2018 में टीटी करा के 69,000 दिए, 2019 में टीटी का फॉर्म भरवा करके 2020 के जनवरी में एग्जाम कराए, फिर 2020 में कोई टीटी नहीं दिए, 2021 देख ही रहे हैं आप, सितंबर आ गया अभी तक कोई टीटी नहीं दिए हैं, जी सर, तो जी वो सर, जी सिचुएशन को इसी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। लोग सारी चीजों को देखते नहीं है, पूरा मैटर देखते नहीं है, सर, और जो वो चिंपैजी वाला सिद्धांत है, समग्रवाद का सिद्धांत, उस सिद्धांत को लोग पढ़ करके किताबी कीड़े की तरह भूल गए हैं, उसको लागू नहीं करते हैं। वो चिंपैजी क्या करता है पीड़े में, नहीं सर जी, अब तो आपकी बातों पे सब लोग विश्वास कर रहे थे, पहले नहीं की, जैसे आपने बताया था जब 2 साल पहले बताया था लाइफ टाइम होने वाला है तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जब होगा लाइफ टाइम तो सब लोग विश्वास करने लगे कि सही जो भी एग्जैक्टली बताते हैं सर, वही वही बिल्कुल बिल्कुल चीज, सही बता रहे, क्योंकि जब तक कोई चीज आएगी नहीं सामने, जब तक लोग मानेंगे नहीं, जब जब चीज आ जाएगी सामने तो फिर लोग अपने आप मानने लगते हैं। हाँ जो समग्रवाद का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि आप सब कुछ को एक साथ देखिए। चिंपैंजी ने क्या किया, पूरे पिंजरे में हर तरफ नजर दौड़ाया, तो उसको सारी चीजें दिखी, तब उसने अपना दिमाग लगाया, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा रख के उस पर चढ़ करके फिर वो केले तक पहुंच गया। तो वो कैसे पहुंचा, जब उसने अपने आसपास के पूरी चीजों को देखा, एक साथ देखा, तो अपना बुद्धि लगाया। तो लोगों ने पढ़ाई किया है, पढ़े हैं समग्रवाद का सिद्धांत, लेकिन वो सिद्धांत लागू कहाँ होगा, वो लागू ही नहीं कर पाते हैं। लोग बीटेक कर लेते हैं, एमबीबीएस कर लेते हैं, न जाने क्या क्या कर लेते हैं, पढ़ाई सिर्फ कर लेने से नहीं हो जाता है, उसको अप्लाई आप कितना कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। कितना ढाल पा रहे हैं उस बिल्कुल सिद्धांत को आप अपने जीवन में सर। भाई, घर में चाकू पड़ा है, आपकी मर्जी हो सब्जी काटिए, आपको किसी ने अच्छा रोका थोड़े है, कल को आवश्यकता पड़े घर में जो कोई आगे आपके ऊपर हमला कर रहा है तो आप अपने बचाव में यूज कर लीजिए। सही कह रहा सर, ठीक चलिए तो सारी चीज आप समझ गए हैं, ठीक सर, ठीक है, रखते हैं फिर। ठीक है सर, ओके सर, धन्यवाद सर, वेलकम, नमस्कार, ठीक है, नमस्ते सर, ओके।